हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दगड़े राव द्रो की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, दिन के बच चुके हैं 2 और मैडम जी के लिए खाना कम हो गया था। मैडम जी ने दोबारा फिर बनाया अपने लिए, इनके लिए खाना कम हो गया था। अभी खा पी के फिर बैठेंगे इस पे सिलाई पे। और अब दोस्तों, मैं हो चुका हूँ रेडी, एकदम तैयार। मेरे पैर हाथ पैर में गर्मी के कारण काम बंद हो रही थी, तो इसलिए मैं अब लेट जा रहा हूँ। 2 बजने वाले हैं, 2-3 कंप्लेंट है, उनको करके भी आना है। भी मेरा आवाज जी, अरे पढ़ाई कर रहा है आज, पता नहीं कहाँ से दिन आ गए इसके। कहाँ से दिन आ गए आपके? गांव जाना है, करना पड़ रहा है। अच्छा, इसको गांव जाना है, गांव घूमना है इसको, इसलिए करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आजकल हमारे उत्तराखंड में ना एक गवर्नमेंट सरकार ने एक चीज बना रखी है। मैं वीडियो देख रहा था किसी की, बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा होना भी चाहिए। गाँव में जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, चीड़ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, वैसे पत्ते बोले जाते हैं, मगर पिरू हमारे उत्तराखंड में उसको पिरू बोलते हैं। पिरू तो पिरू जितना आप उसको इकट्ठा करोगे उतना गवर्नमेंट सरकार उस पिरू को ले रही है। मगर वो क्या काम आता है अभी हमें पता नहीं है, क्या काम करेगी गवर्नमेंट सरकार से। वो इसीलिए करेगी जो जंगलों में आग लगती है गाँव में, तो जंगल बचाने के चक्कर में पिरू लोग इकट्ठे कर रहे हैं 1.5 रुपए किलो। कहीं तो कह रहे 1.5 भी, कहीं 3 भी, तो ऐसे बता रहे थे। तो कल जब मैं तो मशीनों द्वारा ऐसा अंदर जाता है और वहां से वो पैकिंग ऐसे पूरा बंडल बन के और उसमें पूरा बेल्ट लग के टाइट होके बिल्कुल एक जैसे वो पैकिंग होके सीधा बाहर आ जाता है। तो इकट्ठा कर रहे हैं लोग आजकल, तो जंगल कुछ उससे भी बच जाएंगे। मगर गर्मी इतनी है कि पेरू तो पड़ता ही रहेगा बहुत ज़्यादा। कभी भी राव जी, तो आप गांव जा रहे हो तो आपको कैसे महसूस हो रहा है? आपको पेरू का पता है? तो कुछ महसूस आपको पेरू का पता है? पेरू किसको बोलते हैं? नहीं जब हम छूती के पेट से वो नहीं डालते थे, खाते थे उसको झाड़ के, है ना, उसके उसी के पेड़ के होते पत्ते होते हैं। हाँ, तो फिर देखिए मैडम जी तो अपने खाने में व्यस्त हो रखी है हमारे। हाँ जी, क्या होता है पिरू? पिरू किसे बोलते हैं? जो चीड़ के पेड़ से झड़ते हैं। चीड़ का पेड़ क्या होता है? क्या झड़ता है? पत्ते। हाँ, पत्ते उनको बोलते हैं पिरू। पिरू मतलब पत्ते नहीं होते, सिर्फ पिरू टाइप पतले पतले से होते हैं ना, पत्ते तो होते हैं। तो वो होता है, खाने में मजा आता है। उसके पेड़ में जो फल लगता है ना, फल के अंदर बहुत मजा आता है इस समय खाने में। तो दोस्तों, ये जाएंगे गांव और मेरे को मैं गांव पे बोलता नहीं मैं करके दिखाता हूँ। <चुकी है मेरे। laughs> तो दोस्तों, मेरा मन तो बाइक पे जाने का हो रहा है कि बाइक पे जाऊंगा। ये कह रहे मेरे हम जाना था साथ, चलो देखते हैं काम काज का क्या हिसाब किताब रहते। तो दोस्तों, बने रहने वीडियो में। अब मैं चलता हूँ सीधा, पहले जाऊंगा रजौरी गार्डन मायापुरी की तरफ। तो बाइक पे जो मेरा वो किसी ने निकाल दिया था ना बाहर, ये मैंने बाइक खड़ी करी थी और मेरे बाइक का वो ऊपर का हिस्सा निकाल दिया था, ये नीचे गिर भी गया। अब मैं एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों, ये है मेरा, ये था, ये बाइक पे लगाने का था। ये ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हो ना आप, ये घुमाने वाला टाइट करने वाला, ये किसे नहीं निकाल दिया था, लोग ऐसे हैं। तो फिर ये 2 कल लेके आया मैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, फिर बाइक पे इसको लगाता हूँ और आगे के व्यू आपको दिखाता रहूँगा। और गर्मी तो बहुत खतरनाक हो रही बात, जैसे भी बाहर निकलो तो बहुत तेज गर्मी है, देख लेंगे, काम तो करना ही है, मजबूरी है। तो चलते हैं दोस्तों, बने रहना वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने राउत भाई को भी आगे बढ़ाना। अगर आप हमें आगे सपोर्ट करोगे तो अच्छा अच्छा सा गीत मैं आप लोगों के बीच जरूर लेके आऊँगा। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं इस समय मानसरोवर ग्राम बाहर। पीछे देख रहे हो दोस्तों, धूप कितनी लगी है, धूप में बिल्कुल कैमरा से दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट बन से पूरा साफ भी नहीं नज़र आ रहा है आगे कैसे दिख रहा है, इतनी कड़ाके की धूप है पीछे देखो। तो दोस्तों, चलते हैं अंदर की तरफ, पहुंच चुके हैं, 3 भी बज चुके हैं और गर्मी से इतने बुरा हाल हो गया, पसंद इतना हो गया था कि बहुत बुरा हाल, बहुत तेज धूप लगी है, 48 डिग्री से ऊपर तापमान है दिल्ली का। तो चलते हैं दोस्तों, अब इस घर के अंदर जाने में 6:12 हो चुके हैं। देखिए अभी हम यहीं पर मानसरोवर गार्डन में हैं, काफ़ी टाइम लगे, आधा घंटे का काम था और इसमें लग गया 3 घंटे, थोड़ा सा कहाँ कहाँ फॉल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं शक्ति नगर की तरफ, उसके बाद कल्याण विहार, राणा प्रताप बाग कम्प्लीट है। 6:12 भी हो चुके हैं, तो 7:15 हो चुके हैं। अब हमें शक्ति नगर एक टेंशन नहीं है, देख रहे हो आप, अब यहाँ से निकल रहे हैं घर की कल्याण विहार की तरफ। ये देख रहे, अभी भी मौसम कैसा हो रखा है, बिल्कुल साफ हो रखा है और जो गर्मी से देख रहे हो सफ़ेद हो गए टी शर्ट, ये देख रहे हो पूरी सफ़ेद हो गई है पसीने से। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इस समय हूँ कल्याण विहार में और इस समय 8:07 हो चुके हैं।
तो दोस्तों अभी यहाँ से राणा प्रताप बाग जाना था, अब नहीं जा रहे, अब देखते हैं, अब घर ही निकलते हैं क्योंकि लेट भी हो चुके हैं। पहले पूछ लेता हूँ राणा प्रताप बाग, अगर बोलेंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो कल देखते हैं। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं घर पर, बज चुके हैं 9 बज चुके हैं रात के, देखो पसीने देखो कितनी गर्मी हो रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है, जाम बहुत खतरनाक है। ये रोड इतने एक साल से ऊपर हो गए रोड खुदी हुई, हर जगह रोड खोदी रहते, मैंने काम होता नहीं, ये गड्ढे फड्ढे गड्ढे फड्ढे, आदमी गिरने का मरने का काम हो रखे सारे, इतनी खतरनाक रोड हो रखी है, मतलब बिल्कुल बनाते नहीं है, खोद के रख देते हैं बस छोड़ देते हैं, ऐसे काम होता ही नहीं। जहाँ तक धूल, इतनी खतरनाक धूल उड़ती कि पूरा घर को ऐसा बना देगा कि मिट्टी के जैसे, ऐसे हाल है दोस्तों, काम होता नहीं है प्रॉपर, काम खरीदार करते नहीं, पैसे नहीं मिलता, बजट नहीं होता, क्या नहीं होता, इतना बुरा हाल है कि मतलब गाड़ी इतना टैक्स जा रहा है तभी इतना हाल हो गया, बताओ रोडों का ये हाल हो गया। तो दोस्तों आज बनाए हैं गोभी के परांठे कह रहे हैं और आप करते हैं। तो दोस्तों आप 9:15 बज चुके हैं और रात के डिनर की तैयारी गर्मा गर्म, यहाँ पर बन रहे गोभी के परांठे, क्या बना रहे हो? गोभी के परांठे, देखो ये भी लगे रहते हैं यार, गर्मी देखो कितना गर्म हो रहा है, पसीना से हालत खराब, गर्मी से हालत खराब, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। आज तक टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था दिल्ली का, मगर हम लोगों की ना आधे लाइफ तो रोड पे कट जाती, इतना बुरा हाल है, शहरों में रहना तो बहुत बेकार हो गया, बहुत बेकार, क्या करें, मजबूरी हम लोगों की यहाँ पर, नहीं तो अपने उत्तराखंड की ओर चले जाते, इतना प्रदूषण रोडों का देखो बुरा हाल, जहाँ देखो रोड खुदाई, जहाँ देखो बस खोद के बैठ जाते, कोई बनाने का नाम नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है, ना कोई ऐसे ऐसे, दोस्तों ये हाल है, बुरा हाल सर होगा, और प्रदूषण धूल, इतनी खतरनाक धूल उड़ती है, बाप पूरा मुंह में अंदर चला जाएगा, इतनी धूल उड़ती है, इतना प्रदूषण, इसीलिए लोग यहाँ प्रदेशों में बीमार भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ये प्रदूषण, क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की भी, हमारे तो सरकारी नौकरी होता है, मैं तो घर चला जाता, मुझे जो उत्तराखंड का स्वच्छ वातावरण लाने लगता ना, यहाँ बेकार लगता मुझे, क्या करें। तो दोस्तों यहाँ पर बन रहे गोभी के पराठे, आप देखते रहे, बातें तो होते रहते हैं, क्या करें, शहर में जीना तो ऐसे ही है। और जी कुछ कहना चाहते हो आप? क्या कहें, गर्मी हो रही है, बाकी क्या करें है। अच्छा कारोबार कैसे चल रहा है आप लोगों का? बढ़िया चल रहा है, सिलाई विलाई ठीक चल रही है, एकदम चकाचक बढ़िया। चलो दोस्तों करते हैं डिनर, आप भी आए और गोभी के पराठे खाए, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ और क्या, अपने राउत भाई को भी आगे बढ़ाना, आप लोगों का सपोर्ट प्यार बना रहेगा, तो मैं अपना उत्तराखंड की वीडियो फिर आपको दिखाता रहूं, ये काम धंधा छोड़ के सब उत्तराखंड चला जाऊंगा मैं, फिर वहाँ की वीडियो आप लोगों तक दिखाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय देव भूमि जय उत्तराखंड। तो दोस्तों रात के 9:30 हो गए और मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैंने तो ब्लॉग अपना ऐड भी कर दिया था, और ऐड करने पर ये देखिए 9:35 होने जा रहे हैं, और इन्होंने मेरे ये लिए केक मंगा दिया, हैप्पी फादर डे था कह आज, तो मुझे तो पता ही नहीं था, तो इन लोगों ने केक मंगा रखा था। दोस्तों इन्होंने भी नहीं बताया, देख लो हमारी मिसेज ने भी नहीं बताया, सरप्राइज मिलता है, देखो मैं तो टी शर्ट उतार के बिल्कुल ऐसा उतर, मैं तो ऐसे ही इसने ब्लॉग बना दिया, तो मुझे तो पता नहीं था। तो देखिए दोस्तों ये आ चुका है हमारे पास केक, ये देखो आप भी आए और सबके लिए, जो भी नितिन रावत भी अपना ब्लॉग बनाना, नितिन ब्लॉग, नितिन ब्लॉग, चॉकलेट वाला केक आ रखा है, रावत ब्लॉग की शूटिंग होते हुए।